गरम करके दे, ये दूध गरम करके दे। मैं फरीद शाह की रहने वाली हूँ, तो मैं फरीद शाह से शहर इसलिए आई हूँ कि वहाँ हमारा कोई अच्छा रोज़गार नहीं था, हमारा कोई रोज़ी का वसैल और हमारा काम का, ख़ास तौर मेरे मियाँ का कोई काम का ऐसा कोई वसैल नहीं था कि जहाँ हम गांव में रहते, फरीद शाह में रहते और वहाँ रहकर हमारा रोज़ी का भी काम चलता और हमारे बच्चों की पढ़ाई चलती, इसलिए हम शहर आ गए। यहाँ आकर हमने, मैं और मेरे मियाँ ने मिल के हमने काम करना शुरू किया, जिस तरह से मेरा मियाँ किसी की शॉप पर काम करता है, सेल में नहीं करता, और मैं यहाँ आकर ना 3-4 घरों का काम पकड़ लिया था। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपने बच्चों को काम पे डाल दे। शहर आके मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जिनको मैंने ना स्कूल में डाला हुआ है। यहाँ आके लोगों ने मुझे काफ़ी कहा था कि आप इन्हें काम पे डाल दें, कोई 5,000 रुपया 6,000 रुपया आपको मिलेगा, आपके घर के हालात और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद काम करूंगी, और मेरे मियाँ ने भी कहा था कि मैं काम करूंगा, और उस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ हमने अपने बच्चों को पढ़ाना, हमने काम पे नहीं डाला। हमने ये सोचा था कि जिस तरह से यहाँ आकर मैं काम कर रही हूँ, इस तरह से मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे काम ना करें, ठीक है, इस वास्ते मैं अपने बच्चों को पढ़ाई पर डाला और मैं 3-4 घरों का काम करती हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरे बच्चों का यहाँ रुक रहा कुछ कर, वहाँ मैं 1-2 घरों का और काम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी। मैं वाइस की मीटिंग में जाती थी जहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जो घरेलू मुलाज़मों के लिए है। मेरे इस एरिए में ना और 25-30 औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ जाकर काम करती हैं। अब मैं उनको ये बताती हूँ कि आप अपने 15 साल के कम बच्चों को काम पे ना डालें, ठीक है, आप खुद काम करें और अपने बच्चों को काम पे ना डालें, उन्हें पढ़ाएँ, ठीक है, पढ़ाएं, और उस तो बाद जो हमारा हमारे लिए गवर्नमेंट ने कार्ड बनाए हैं, आप वो कार्ड बनवाएं। मैं वर्कर हूँ, नौकर नहीं।